इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इसको आपके हवाले करने आया हूँ। मेरे हवाले? क्यों, क्या ये तुम्हारा बेटा है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं, ये बेचारा तो एक बस स्टॉप पे खड़ा फूट फूट के रो रहा था। लगता है इसके माँ बाप भी अनाथ है, इसलिए मैंने सोचा आपके पास ले आऊं, आप इसे रख लीजिए। मेरा परिवार खुद बहुत बड़ा है भाई। तो एक काम करो, फिर इसको हवालात में रख लो। हवालात में कैसे रख लूं? ना इसने कोई जुर्म किया है ना कोई गुनाह। तो मैं क्या करूं, मैं कहां ले जाके रखूंगा इसको? अरे तो ले जाओ किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दो। ये अनाथ आश्रम सब नाम के होते हैं, असल में ये मुसीबत आश्रम होते हैं। अनाथ आश्रम में जो बेचारे बच्चे पलते हैं वो भूख प्यास गरीबी जुल्म मार सहते सहते बड़े होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो आदि मुजरिम बन चुके होते हैं। साहब मैं तो कहता हूँ रुपये में 12 आना जो मुजरिम है वो सब अनाथ आश्रम की पैदावार है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, इस बात की जिंदा मिसाल मैं हूँ। मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हुआ और बाहर निकलकर आदि मुजरिम बन गया। बताओ, मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर तुम्हारा कलेजा ही लूटेगा। एक मर्तबा की बात है। अबे चुप, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, तो अपनी कहानी बीच में घुस रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी इस वर्दी को हटाकर अपने खूबसूरत से दिल से सवाल कीजिए कि ये मासूम, ये छोटा फूल सा मासूम अनाथ आश्रम में पलने के लायक है? क्या हम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में खून इसलिए बहाया था कि भारत के भविष्य का बोझ उठाने वाले छोटे से मासूम कांधे अनाथ आश्रम में पलकर बड़े होंगे? एक काम करो जी, तुम खुद इस बच्चे की परवरिश करो। मैं? हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा, बोलो मंजूर है? देश के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाई लो, अभी सिर्फ इतने रख लो, अगले महीने से हर महीने मुझसे तुम 100 रुपए ले जाया करना। हर पहली को पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। मैं अपनी जिंदगी में कमी आने दूंगा, मगर इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं इसे नेक और शरीफ इंसान बनाऊंगा, आज से यही मेरा कर्तव्य है। जाओ। चलो बेटा, भगवान तुम्हें सफल करे। प्यारे बच्चों, अपने अपने घर जाओ और माँ बाप से कहो कि एक नया लीडर पैदा हो गया है, उसने अपनी एक नई पार्टी बनाई है और उसने अपनी पार्टी का एक झंडा बनाया है, और वो झंडा ये डंडे में लटक रहा है, और ये झंडा लहरा कर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। अरे ये झंडा कहाँ गया? झंडा यह है बापू। अबे तू झंडा मार के लिया? तो क्या करता बापू, वो फांदेबाज नेता पब्लिक को झूठ बोल बोलकर अपनी बड़ाई मारा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। साला करता तो कुछ तो है नहीं, इसलिए मैंने झंडा मार दिया। अबे मगर झंडे का क्या करेगा? अपने दोनों तले पैजामा बन जाएगा। वैसे आपका पैजामा कितना सड़ा हुआ है, बहुत जाती है। अबे तो सूखता क्यों है? उल्लू का पट्टा तेरे को मालूम है कितना खतरनाक लीडर है वो? इस शहर के एक आदमी और उसके बच्चे ने मिलकर जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। दिन दहाड़े चोरियां करते हैं, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है उन्होंने भरी सभा में डंडे का झंडा गायब कर दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मैंने कितना कहा, मेरी भी कहानी नहीं सुनी उसने। आप उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए, वरना हम सब भूख हड़ताल कर देंगे। आप लोग जिस बाप बेटे की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो आपको सिर्फ एक ही बार लूटा होगा, लेकिन मुझे तो पिछले 6 महीनों से लगातार लूटते आ रहे हैं। वो आदमी अपने बेटे को अनाथ बताकर उसकी परवरिश के लिए मुझसे पैसे लिए जा रहा है। तुम सब लोग चलो, आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चल बाबू चल, आओ यही घर है। चलो चलो चलो, जाए बोल नहीं गया। अरे अरे, यहाँ तो कोई नहीं, कहाँ गए बापू? क्यों ना हम आपकी बहन के पास चले जाए? दिमाग खराब है क्या, क्यों जबरदस्ती मौत के मुंह में जाना चाहता है? उधर डर के मारे मेरा बाप है ना, तेरा दद्दू है ना, वो भी नहीं जाता है। क्यों? वो जो मेरा जीजा जी है ना, वो कस्टम ऑफिसर है, बहुत खड़ूस आदमी है। अरे इतने बड़े आदमी के डरते हो तुम? चलते हैं, मैं सीधा चले जाऊँ। अरे तू कैसा चला जाएगा, तो मैं यहाँ क्या बैठ के भीख मांगूंगा क्या? आइडिया अच्छा है, लगते भी खानदानी भिखारी। क्या बोला? ए मुंह संभाल के बात कर रहे, तो बहुत मारूंगा। नहीं तो मैं चले जाऊंगा। अरे तू ऐसे कैसे चला जाएगा, क्या तेरे बाप का बेटा है? मुंह संभाल के बात कर, बहुत मारूंगा। मैं चले जाऊंगा। अबे चुप, क्या मुसीबत है यार, एक औलाद भी साली, वो भी बाप के समान है। चलता हूं चल। हे भगवान, मेरे को मेरे जीजा जी प्रताप सिंह के गुस्से से बचाना। प्रताप सिंह, तंग आ गया हूँ मैं इस कस्टम ऑफिसर का नाम सुनते सुनते। इतनी मेहनत करके मैं माल लाता हूँ और आराम से ना पकड़ लेता है। न जाने उसे कैसे पता चल जाता हमारे बारे में, और ठीक डिलीवरी के टाइम पर ही धार मार देता है, इसीलिए आज का माल भी नहीं ला सके।
सारा का सारा माल समंदर में फेंक देना पड़ा। तुम सब के सब निकम्मे हो, बुझ दिलो तुम लोग। अब देखना ये कुल्लू महाराज क्या करता है। कल का दिन प्रताप सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। डैडी डैडी चलो ना घर, मेरे को भूख लगी है। रोजी बेटा तू घर चल, मैं अभी आता हूँ। शंकर तुझे घर ले जा। जी सर। हाय डिसूजा, क्या हाल है, कैसा चल रहा है धंधा? मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन तुम इतने दिन किधर था? काम में बिजी था यार, तुम तो जानते हो आजकल गुल्लू का यहाँ बड़ा जोर चल रहा है डिसूजा। अरे वो तो ठीक है मगर सर झुकाए क्यों खड़े हो? जाओ रवि के पिताजी के कपड़े इस्त्री करके लाओ, उनको ड्यूटी पर जाना है। और तू, तूने अब तक नाश्ता तैयार नहीं किया? मालकिन, आप कब तक साहब का नाश्ता तैयार करवाएंगी, साहब के कपड़े इस्त्री करवाएंगी? साहब जी इस दुनिया में अब नहीं रहे। नहीं नहीं मत करो ऐसी बातें। डॉक्टर साहब आप इन लोगों को समझाइए ना, ये लोग भैया, बुआ, भैया, भैया, ये क्या भाई, ये सब क्या हाल बना रखा है? देखो ना, ये सब पागल लोग क्या क्या कहते हैं, कहते हैं रवि के पिता का देहांत हो गया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। भैया तुम कहो ना, वो वापस आएंगे ना भैया? बोलो भैया, वो वापस आएंगे ना भैया? वो वापस आएंगे ना भैया? डॉक्टर साहब ये बात क्या है? इनके दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए दिमागी तवाजुन खो बैठी है। ऐसी हालत में इनको घर में रखना ठीक नहीं। ऐसे मरीज खुद की जान भी दे सकते हैं, दूसरे का खून भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि यहां से 200 किलोमीटर दूर रायपुर में एक पागलखाना है, वहां इन्हें दाखिल करा दीजिए। मामा मुझे मेरी मां के पास ले चलो। मामा देख बेटा, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, जैसी तभी ठीक हो जाएगी ना मैं खुद उसको लेकर आ जाऊंगा। अच्छा बेटे चल आ जाओ चलो।